चलिए आज एक और अपने नए स्टूडेंट से मिलते हैं, सूरज कुमार पटेल से, जिनका की बीएचयू में सिलेक्शन हुआ। ऑल इंडिया 78 रैंक है और बीएचयू का मेन कैंपस मिला। तो सूरज, सबसे पहले बीएचयू एमसीए के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, एंड थैंक यू सो मच सर. इट इज अ गुड फॉर्चून फॉर मी दैट यू गिव मी सच एज अ ग्रुप ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू. सबसे पहले तो सर, मैं आपको और अपने पूरे इम्पिटस फैमिली को और प्लस अपने परिवार को, खासकर सर अपने चाचा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप ही लोगों की वजह से हम आज इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाए हैं. और हमारी जर्नी सर स्टार्ट होती है सर जब अपन बीसीए कर रहे थे, तो सर वहां पे अपन को लगा कि सर जब एमसीए करना होगा तो किसी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, क्योंकि सर हम इलाहाबाद में रहते थे और हम अपने पार्टनर साथ रहते थे. तो जो मेरे पार्टनर के फ्रेंड थे वो एनआईटी कैलीकट से सर उन्होंने एमसीए कर रखा था, तो उनका पैकेज काफी अच्छा था सर. तो अपन को लगा सर कि किसी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से एमसीए करने से काफी अच्छा पैकेज आता है, ग्रोथ भी हाई होती है. तो सर मेरे पार्टनर जो थे वो कहे कि सर्च करो कोई अच्छा रिसोर्सेस मिले तो वहां से कोचिंग ज्वाइन कर लो. तो मुझे लगा कि डेफिनेटली अगर कंपटीशन भी तगड़ा है तो इसके लिए कुछ रिसोर्सेस ही चाहिए. तो सर यूट्यूब पे अक्सर हम सर्व करते रहते थे, तो आपके वीडियो अक्सर सजेशन में आ जाते थे कि मतलब कि जो भी है. तो सर एक वीडियो आपकी आई प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट टाइम वो सजेशन में, सर मैंने उस पर क्लिक करा और प्रोबेबिलिटी की वीडियो को चालू कर दिया. और सर प्रोबेबिलिटी मेरी बिल्कुल मतलब बहुत बोल सकते हैं बस ऐसे ही सिंपल थी सर, बहुत अच्छी नहीं थी सर. जैसे मैंने आपका वीडियो जब उसको देखा और फाइनली सर मैंने उसको कंप्लीट ही कर डाला, जबकि मेरा कोई मूड नहीं था कि मुझे प्रिपरेशन करना है नहीं करना है. हम सोचे कि सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, जब ऑनलाइन में इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तो अपन जब उनसे ऑफलाइन जुड़ेंगे तो कितना अच्छा पढ़ाएंगे. तो सर मैं कंटिन्यू सर आपको एज ए यूट्यूब पे ऐसे ही फॉलो करता गया. एट लास्ट मैंने मन बना लिया था कि जाना है तो सर के यहाँ जाना है भोपाल में और वहां से तैयारी करनी है. तो एट द एंड ऑफ माई सेमेस्टर सर अपन फिर सर आपके यहाँ आए, भोपाल में आए. हालांकि भोपाल में आते आते सर बहुत टाइम लग गया, सितंबर के लास्ट में आए, फिर वहां पे बीमार भी पड़ गए, वापस फिर घर पे आए, फिर जाना हुआ, फिर सर लॉकडाउन भी लग गया, फिर वापस आ गए घर, हाँ, आपका ऐसा फिर ही हुआ। सर पहले भोपाल आए, फिर कुछ समय भोपाल में रहे, फिर वापस गए, फिर यस सर भोपाल आए, फिर वापस चले गए। मतलब आपने एक्चुअल में मिला जुला पढ़ाई किया, ऑनलाइन और ऑफलाइन के आप कॉम्बिनेशन वाले स्टूडेंट रहे हो, कि कुछ समय ऑनलाइन, कुछ बिल्कुल समय ऑफलाइन, कुछ समय ऑनलाइन, कुछ समय ऑफलाइन। यस सर डेफिनेटली. अपन सर कुछ समय ऑनलाइन कुछ समय ऑफलाइन, बट सर आपको देख के जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी वो सर बहुत मेरे जीवन में मतलब सर मैंने सर जब अपन का भोपाल में जब गए और आपके यहाँ सर जैसे इम्पेटस में हमने कोचिंग ज्वाइन करी, मुझे सर पढ़ना नहीं आता था कि कैसे पढ़ाई होती है सर. आप मतलब यूट्यूब पे आप भी बताते थे कि बेटा चार फर्स्ट ईयर वाले जो बीसीए फर्स्ट में है वो 4 घंटे पढ़ाई करें, सेकंड ईयर वाले 6 घंटे पढ़ाई करें, फाइनल ईयर वाले 8 घंटे पढ़ाई करें. तो सर जब अपन वहां गए तो वहां पे लगा कि सर यहाँ पे 4 और 6 घंटे का कोई सीन ही नहीं है, यहाँ पे तो सुबह 7 आओ रात में 9 पे ही जाओ. तो सर अपन को वहां पे सर इम्पेटस में मैंने एक चीज सीखी कि सर पढ़ाई करते कैसे हैं. सर अपने यूपी में ऐसा कुछ सीन नहीं है कि कहीं भी कोचिंग है कोई रूल नहीं है, आया कोचिंग किया निकल गया. सर ऐसा नहीं है कि मैंने यूपी में थोड़ा सर 10-15 दिन के लिए मैंने यहाँ पे प्रयागराज में भी एक कोचिंग ज्वाइन करी थी, बट सर वो सीन नहीं मिल पाया सर जो चीजें आके हमको भोपाल में. सर वहां पे आपसे सर मुझे ये चीज सीखने को मिला कि पढ़ाई कैसे की जाती है सर एक्चुअल में. तो चीजें सर वो फिर मैंने ऑनलाइन में भी अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखी, फिर जाके सर आज इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी मेरा एडमिशन हुआ. उसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू बेटा। अच्छा सूरज, एक चीज जानना चाहूंगा, बीएचयू क्योंकि बहुत अच्छा कॉलेज है, बीएचयू आईटी भी है, जहां पर बीटेक करने के लिए बच्चे जाते हैं आईटी के थ्रू, बीटेक के लिए, तो बीएचयू को लेके कई बच्चों के पास जानकारी की थोड़ी कमी है, तो कई बार वो यस कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली प्लेसमेंट को लेके, क्योंकि अब आप वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं और आपको अब दिख रहा है कि आपके सीनियर्स के प्लेसमेंट कैसे हो रहे हैं, किस यस तरह सर की कंपनी आ रही है, कैसा पैकेज मिल रहा है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप इसको डिटेल में बताएं कि किस तरह का प्लेसमेंट है, किस तरह की कंपनी आ रही है और लगभग कितने के आसपास पैकेज जा रहा है, वो चीज बच्चे बहुत जानना चाहते हैं। हाँ यस सर बिल्कुल सर. इसके लिए सर सबसे पहले मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूंगा कि जो अपना बीएचयू का एमसीए कैंपस है वो जस्ट आईटी के साइड में है.
जो ओके आईटी बीएचयू के मेन कैंपस में, मतलब उसी में अपना भी एमसीए का ब्रांच है। ठीक है तो सर वहां पे अपन को बहुत ग्रैब अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आईटी बीएचयू के थ्रू अपन को प्लेसमेंट मिलता है। तो सर वहां का रूल जो है, सर पहले 400 का एक फॉर्म भरा जाता है आईटी बीएचयू के साइड से, वो एमसीए वाले फुल्ली फिल करते हैं उसको, तब अपन एलिजिबल हो जाते हैं आईटी बीएचयू में आने वाली जो टॉप मोस्ट कंपनियां हैं उनके लिए। ठीक है टॉप मोस्ट में सर अपन मे बी गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के लिए नहीं एलिजिबल होते, बट सर मे मोस्टली कंपनियों में अपन एलिजिबल होते हैं। ठीक है सर एक अफवाह ये भी है सर कि बीएचयू में एडमिशन लेने पे अगर आपका 8 पॉइंटर मेंटेन नहीं है और आपके पास एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट हाथ में नहीं है, तो आप आईटी बीएचयू के थ्रू प्लेस्ड नहीं हो सकते। बट सर हमने अपने सीनियर से इंटरेक्ट करा, अभी हमारे सीनियर्स अच्छे खासे पैकेज पे सेलेक्ट हुए हैं, क्रॉस आईसीआईसी बैंक में 16 LPA पे 3-4 लोग गए हैं और बाकी 10-12 LPA पे काफी लोगों का सिलेक्शन हुआ है सर। ठीक है तो सर जो बाहर की चीजें हैं, जैसे इंटरनेट पे जो चीजें दिखाई जाती हैं कि बीएचयू एमसीए पे कुछ ज्यादा फोकस्ड नहीं है सर, उसका थोड़ा डाउन क्राइटेरिया रहता है। तो सर आपकी बार का प्लेसमेंट जो है 70-80% हो चुका है अभी तक, अभी तक प्लेसमेंट चल ही रहा है सर अपने ठीक कैंपस है में। तो सर जो अपॉर्चुनिटी मिलती है आईटी बीएचयू के थ्रू प्लेसमेंट होने की, वो सर बहुत ग्रैब है सर। उसमें अपन ये नहीं है कि 8 पॉइंटर मेंटेन हो, बट ये है कि अगर जो कंपनियां क्राइटेरिया लेके आती है कि मिनिमम 8 पॉइंटर मेंटेन होना चाहिए, तो उसमें अपन का कम पॉइंटर है तो नहीं एलिजिबल हो सकते। बट सर जिसमें अपन 66 पॉइंटर एबव कंपनी आएंगे, उसमें डेफिनेटली अपन प्लेस्ड हो जाएंगे सर। बहुत सारे सीनियर्स भी जो भी हैं वो 6 पॉइंटर के एबव भी प्लेस्ड, अच्छे खासे पैकेज पे प्लेस्ड हैं। तो सर जो आईटी बीएचयू का सीन है वहां पे ये है। और सर इसका कोई एक्चुअल में जैसा आपने भी बोला कई बच्चों के मन में डाउट है, इसीलिए मैं ये सेशन का मेन पर्पज ये है कि एक तो आप सिलेक्ट हुए हैं, आपकी सक्सेस स्टोरी तो बच्चे जाने, साथ में वो बीएचयू को लेके भी थोड़ा सीरियस हो। अच्छा बीएचयू एक इतना बड़ा नाम है कि ऑफ कैंपस भी बच्चों को जॉब मिलता है, पर बिल्कुल अभी तो सर, इन कैंपस ही इतने अच्छे जॉब प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो ये अच्छी बात है। तो मैं ये कह सकता हूँ बहुत ही अच्छे से कि जो भी बच्चा बीएचयू के लिए इंटरेस्टेड है वो बिल्कुल तैयारी कर सकता है। और एक और बात, इस साल से बीएचयू ने एक चेंज और कर दिया, पहले जो 50% का क्राइटेरिया था वो भी उन्होंने बंद कर दिया, अब यस सर, 60% एंट्रेंस में कर दिया। तो कई कंपनियां जो कि ग्रेजुएशन पे 60% मांगती है, वो वाली भी एक प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि उससे भी यस सर, प्लेसमेंट पे डेफिनेटली थोड़ा इफेक्ट आएगा आगे जाके। बिल्कुल सर। वहां पे क्या होगा कि पहले क्या होता था कि 55% वाले भी जब वहां रहते थे तो कुछ कंपनियों के क्राइटेरिया से आउट हो जाते थे पहले। तो हाँ सर जो हमारे सीनियर्स हैं वो अभी बताया कि जो अपने उनके भी सुपर सीनियर्स जो बैच थे 1890 सर के, सीन होता था ज्यादातर रिसर्च वर्क पे फोकस हुआ करता था, ओके तो okay. ज्यादातर सीनियर्स अपने सर चले जाते थे पीएचडी के लिए, ज्यादा फोकस्ड हो जाते थे, प्लेसमेंट के सीन से कोई उतना अवेयर नहीं था। तो सर वह इसीलिए प्लेसमेंट वहाँ का डाउन था, बट सर प्रीवियस 2 ईयर से अपने यहाँ प्लेसमेंट काफी अच्छा जा रहा है। और ये सर एक ग्रैब अपॉर्चुनिटी है, आईआईटी बीएचयू के थ्रू किसी को प्लेस्ड होना का मौका मिल रहा है, तो सर दिस इज डेफिनेटली बिल्कुल। गुड। और दूसरी अच्छी बात है कि 2 साल का एमसीए है, तो एक यस तो सर, ड्यूरेशन कम है और आप 1.5 ईयर बाद ही प्लेस हो जाते हैं अच्छी कंपनी में, तो यस कुछ सर, एक प्लस पॉइंट भी है बीएचयू के। बिल्कुल अभी तो खैर बिल्कुल सर, आपने कॉलेज कैंपस नहीं देखा होगा कोविड के वजह से, पर बहुत ही जल्दी आप कैंपस भी देखेंगे, और मैं बिल्कुल उम्मीद सर, करता हूँ बहुत जल्दी आप एक अच्छा प्लेसमेंट भी लेंगे। और जब प्लेसमेंट होगा तो मैं एक फिर से सेशन रखूंगा, क्योंकि फिर जब आप अपने प्लेसमेंट के बारे में बताओगे तो कई बच्चे और भी उसको सुन के खुश होंगे। तो सूरज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो सूरज आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी तरफ से, क्योंकि आपने पढ़ाई की है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से की है, काफी टफ कंडीशंस में की है, तो आपका क्या मैसेज होगा जूनियर्स के लिए? मैं अपने जो भी जूनियर्स हैं सर, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बस सर आपको फॉलो करते जाएं और कंसिस्टेंसी बना के रखें सर अपने। ये नहीं कि वन डे पढ़ाई किया और सेकेंड डे थोड़ा सा आराम कर लिया सर। एक चीज़ मैंने इम्पेटस से यही सीखी है कि सर किसी भी हालत में अपने आप को कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना पड़ेगा जब भी आप सक्सेस हो पाओगे, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा कम नहीं है। और अगर आप इम्पेटस से जुड़े हैं सर की बस टेस्ट सीरीज करते जा रहे हैं, जब भी आप अच्छी खासी रैंक लेके आ जाएंगे आगे। मेरे जूनियर से सर बस यही मैसेज है कि वो कंसिस्टेंस रहें और सर को फॉलो करें। बहुत अच्छा लगा सूरज आपसे बात करके। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक ओके सर, थैंक यू, थैंक यू बेटा। यू।